गौतम बुद्ध ये बात हमेशा क्यों कहते थे, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। हम हमेशा अपने परिवार के बुजुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के हजार फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की माँ अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही अच्छा मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को साइंस भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाया था और अब वो हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है, उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। आज आपको एक ऐसी कथा सुना रहा हूं जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिससे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वो अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ ही वो व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए मैं आपको वो कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे पूछा कि तथागत जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वह हमेशा हर चीज पा लेता है और अपना जीवन खुशी से गुजारता है, इसके पीछे क्या कारण है? कृपया करके आप हमारा मार्गदर्शन करें। तब बुद्ध कहते हैं, वाकई में यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान है। तब बुद्ध एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं, आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा, वो कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। एक समय की बात है, एक नगर में सबल नाम का लड़का रहता था। वो लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वो देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वो लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वो बालक था, तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। किंतु वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वो लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वो सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वो और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वो बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत वो अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वो सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वो कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं, तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है? पिताजी कृपा करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु समस्या एक ही है, लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे
तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वो बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वो लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ। तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं, कृपया करके मुझे वो मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बता देता, किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वो लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहां रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया था, किंतु एक सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वो 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वो जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वो रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है, अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहां पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वो विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से लेकर 5:30 तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त अर्थात
समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वो पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर ले। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुने जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाए। हाथ की मुट्ठी को बंद कर ले और 23 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं गुरुओं का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांसों को नाक से भरे और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अब चेतन मन में पहुंचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है, अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है,
अब इसे जीवन भर करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, यह समय बहुत शुभ होता। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए हमारे घर के बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के कई फायदे भी हैं। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभों के साथ दिव्य आशीर्वाद देती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इस दौरान वातावरण और मन में शांति रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अपने भविष्य और अपने किसी भी कार्य की पूर्ति की कामना रखने से उनकी पूर्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीजें दिमाग में रहती हैं, साथ ही ज्ञान की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है, साथ ही धन की देवी खुश रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह घर के वातावरण और मन की शांति को दूषित करते हैं, साथ ही इससे घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो इस समय सकारात्मक सोचें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को नमन किया जाता है, उन्हें स्नान करवाकर स्थापित करने का विधान है। रिसर्च की माने तो प्रातःकाल उठने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निश्चय है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा, मुहूर्त यानी अनुकूल समय। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।